हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक एयर डिफ्यूज़र का पूरा रिव्यू। सो ये मैंने मंगवाया है एक ब्रांड से, जो आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम पे अभी दिखता होगा, एकम करके ये ब्रांड है, वहाँ से मैंने इसको मंगवाया है। देख सकते हैं इस तरह के कुछ बॉक्स में मुझे ये मिला है। तो चलो आज की जो ये वीडियो है वो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या चीज़ें मैंने मंगवाई, कैसा है ये डिफ्यूज़र और वेदर वर्थ इट है कि नहीं है। सारा प्राइसिंग सब कुछ मैं इस वीडियो में आगे आपको बताने वाली हूँ। तो चलो आज की ये वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ में अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो वीडियो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि देख सकते हैं इस तरह के डब्बे में मुझे मिला था, कुछ दिन पहले ही मुझे मिल गया था, 2 हफ्ते हो गए हैं एंड मैंने इसे निकाल के अच्छे से यूज़ भी कर लिया ताकि एक अच्छा रिव्यू मैं आपको दे सकूं। तो जैसे ये डब्बा पैकेजिंग अच्छा था, बहुत अच्छा थर्मोकॉल और वो सब के साथ आया था। तो जैसे ही हम इस डब्बे को खोलेंगे, इसके अंदर एक छोटा डब्बा है। सो इस तरह के डब्बे के अंदर हमारा डिफ्यूज़र आया था। सो अगर डब्बा हम खोलेंगे तो इस तरह का हमें एरोमा डिफ्यूज़र मिल जाता है। शेप ये डोम साइज शेप का है और ब्लैक कलर का मैंने लिया है। इसके अंदर 2 बटन्स भी मिल जाते हैं जिससे आप ऑपरेट कर सकते हैं। एंड इसके साथ काफ़ी बड़ा लेंथ का हमको प्लग इन मिल जाता है, वो काफ़ी अच्छा है ताकि हम अच्छे से कनेक्ट कर सकें। ये कनेक्टिविटी यहाँ से निकल भी जाती है, अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको खोल भी सकते हैं। तो ये आराम से खुल जाता है एंड देन यहाँ पे आप लगा सकते हैं इसको। इसमें 2 बटन्स आते हैं, एक बटन लाइट का आएगा, 1 आवर 3 आवर एंड 6 आवर्स और ऑन, ये 4 ऑप्शंस आते हैं। इसको सेलेक्ट करके आप आराम से इसको लंबे टाइम तक चला सकते हैं। साथ में आता है लाइट का बटन, तो हर टाइम लाइट जो है वो चेंज होती रहेगी। क्वालिटी वाइज अच्छा है एंड यूज़ भी मैंने किया है इसको 2 हफ्ते से, काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है कि कोई भी रूम, जैसे सपोज़ आपका लिविंग रूम है, आपने वहाँ पे जला के छोड़ दिया है, तो इसके बाद का मतलब 15 मिनट के अंदर काफ़ी अच्छा स्मेल जो है वो डिफ्यूज़ हो जाता है। साथ में जैसे ही वो डिफ्यूज़ हो रहा है वो बहुत अच्छी क्वांटिटी में निकल रहा है, वो भी आपको इसके अंदर दिखेगा। सो थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन उसको देख के भी आ जाता है कि हाँ ठीक है, ये सही काम कर रहा है। इसका जो MRP था, आई थिंक डिस्काउंट डाल वाल के 1823 रुपीज़ में मुझे ये मिला है। इसके साथ मुझे 2 ऑयल डिफ्यूज़र्स या बोल सकते हो ऑयल ब्लेंड जो रहते हैं प्योर एसेंशियल ऑयल, वो भी मिले हुए हैं। तो एक ग्रेप फ्रूट का है और एक जो है वो है आपका जिंजर का। दोनों का फ्रेगरेंस ठीक ठाक मुझे लगा। आई थिंक जो ग्रेप फ्रूट है वो ज़्यादा अच्छा स्मेल कर रहा था एंड जिंजर भी काफ़ी अच्छा था। इसके साथ साथ 2 और चीज़ें एडिशनली मैंने मंगवाई थी, तो वो है ये एसेंशियल ऑयल। सो ये 10 ml का बॉटल आता है 135 रुपीज़ में, 2 मैंने ऐसे मंगाए हैं, 129 रुपीज़ मुझे थोड़ा सा डिस्काउंट डाल के मिला। एंड इसका जो फ्रेगरेंस है, एक तो है आपका महोगनी और दूसरा है ट्वेलाइट स्काई, दोनों का स्मेल ठीक ठाक है, मैंने यूज़ कर दिया है। क्वान्टिटी 10 ml की है, इतने छोटे से शीशी में आपको मिलेगी और देख सकते हैं कि मैंने इसको यूज़ भी किया है। छोटे वाले आपके आएंगे सीधा ड्रॉपर नहीं रहता है, ये बड़े वाले में आपको ड्रॉपर के साथ मिल जाता है, तो इसी का 10 से 12 ड्रॉप आपको डालना है। तो मैं ऑन करके दिखा देती हूँ आपको। तो इसके अंदर क्या है ना कि ये पूरा एक चेम्बर जैसा है, इसका बहुत सारा वेरिएशन आता है, एक पूरा वाइट करके भी आता है, बट मैंने ये ब्लैक वाला चूज़ किया। तो इसको जैसे ही आप रोटेट करोगे एक चैम्बर होगा इसके अंदर एंड उस चैम्बर के अंदर आपको पानी डालना है। सो देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के रखा हुआ है, पानी डालना है। तो एक बार पानी जैसे ही आपने डाल दिया है, उसके बाद कोई भी एसेंशियल ऑयल का आपको, जैसे आपने, जैसे मैंने इतना थोड़ा सा पानी लिया हुआ राइट, तो इसके लिए हमको उतना ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है। वेर इन अगर हम पूरा भर रहे हैं तो ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है। तो इसके साथ एक कप भी आया है जिससे आप मेजर करके डाल सकते हैं कितना है। तो जैसे कि देख सकते हैं ये वाला है एंड देन इसमें मैं बस 2 बूंद ऐड करती हूँ, 4 बूंद ऐड कर देते हैं। ओके,
ये ऐड करने के बाद इसका जो ऊपर का डोम है वो ऐसे ही आप लगा दीजिए फिर से, ओके, एंड देन इसको हम कनेक्ट कर लेंगे। सो जैसे ये कनेक्ट होता है आपको एक साउंड नजर सुनाई दिया होगा, एंड देन वी विल प्रेस दिस ये वाला बटन। तो आप जैसे ही देखोगे इसमें 1 hour, 3 hour, 4 hour करके है, साथ में ये लाइट वाला जला दे रही हूँ। तो आई डोंट नो वेदर आपको लाइट दिखेगा कि नहीं दिखेगा, मैं थोड़ा सा क्लिप भी डाल दूंगी, बट इस तरह का आप देखोगे निकलना, ये जो डिफ्यूज़र से है ना ये देख सकते, इस तरह का वीपर्स निकलना स्टार्ट हो गया है। तो अभी से मुझे वो स्मेल, क्योंकि छोटा एरिया है ना तो बहुत जल्दी से स्मेल फैल जाता है, वेरस अगर बड़ा एरिया होगा तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है। और साथ में आई डोंट नो वेदर कलर लग रहा है कि नहीं, बट ये कलर जो है ना ये चेंज हो रहा है, आप देख सकते हो रिम्स में भी ये कलर चेंज हो जाएंगे। सो लिविंग रूम में जब आप रखोगे तो अच्छा है, एक लुक वाइज भी अच्छा ये दिख रहा है, वो मुझे एक एडवांटेज लगा। साथ में मार्केट में जो मिलते हैं ना वो अराउंड आपके 5000 से लेके, मैंने जितने भी देखे होम सेंटर हो गया या होम में हो गया, अराउंड 3000 से 5000 के बीच में ही मिलता है, बट ये आपको 1823 में साथ में 2 essential oil भी मिल जाते हैं जो अच्छा खासा आपको लॉन्ग करेंगे। तो इसकी वजह से मुझे लगा ये काफ़ी अच्छा है। एकम के और भी प्रोडक्ट्स और इसी तरह के डिफ्यूज़र आपको उनकी वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैंने खुद ख़रीदा है, मुझे ये इन चीज़ों का काफ़ी शौक है, तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को लेके ट्राई करते रहती हूँ और घर में भी ऐड करते रहती हूँ। इससे जो घर का एम्बियंस हो गया या बोल सकते हो एयर होता है ना वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं हमेशा से एक डिफ्यूज़र ढूंढ रही थी इस तरह का, मैंने बहुत सारे कमर्शियल भी लिए हैं, बट उसमें क्या होता है वो थोड़े टाइम के लिए फ्लश करते हैं बट उतना फ्रेगनेंस नहीं रहता है। बट ये काफ़ी टाइम, मैंने इसको अराउंड 4 से 5 hours भी रेगुलर में चलाया है और ये अच्छे से चलता है अगर इसका टैंक पूरा फुल है। तो चलो मैं इसको ऑफ कर देती हूँ, ऑफ करना भी बहुत ईजी है, देख सकते हैं जैसे ही ऑफ किया इसमें से निकलना ये बंद हो गया। सो टू कंक्लूड, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, अगर आपको इस तरह का डिफ्यूज़र्स का शौक है, आप अपने घर पे ऐसा कुछ रखना चाहते हैं तो इसको ज़रूर आप ट्राई करो। प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी और जो ऑयल्स मैंने लिए वो भी, या फिर पूरा ऑयल का रेंज का ही मैं डाल दूंगी ताकि आपके लिए इजी हो जाए वहाँ से लेना। आई होप आज की ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी होगी, अगर लगी तो मुझे ज़रूर बताएं ये कैसी लगी आप सबको, साथ में आप कमेंट करके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली जितनी वीडियोज़ है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो अब मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय दोस्तों।